गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक्चुअली कल मैं अपना व्लॉग ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाई. बीच में ही मुझे एंड करना पड़ा. हम लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, उसके बाद थक गए थे, डिनर किया और फिर हम लोग सो गए. और अभी बस सो के उठी हूँ. और हमारा आज का अलार्म था नेचुरल, जो मुर्गे की बाग होती है वो. तो मुझे एक ये अपनी एक पोएम याद आ रही थी. जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो ऐसे एक हिंदी में पोएम थी, राम दिन का मुर्गा प्यारा, सुबह सवेरे बाग लगाता, हमें जगाता, दूसरों को जगाता, ऐसे करके. तो मुझे एकदम से वही आ गई, याद आ गई. अभी तक भी बाग कर रहा था, होपफुली अभी भी कुकड़ू करेगा. तो बस यहाँ की जो एग्जैक्ट 5 बजे मैंने टाइम देखा था, उसने 5 बजे कुकड़ू करना अभी भी कर रहा था, थोड़ी देर पहले भी कर रहा था. मुर्गों की भी टाइमिंग चेंज हो गई हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग भी लेट उठते हैं. वैसे हम लोग लेट नहीं उठे, अभी टाइम 7:30 हो रहा है. और कल पूरी रात से ज़्यादा कुछ सोए भी नहीं, क्योंकि कल ये महाशय अनवित को बीच में निकालना हम लोगों को इतना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा. और अभी इसको ठंड लगी हुई है, पूरी रात से छेक रहा है, पूरी रात से रो रहा है, रनिंग नोज है इसकी. और कपड़ा रात में कुछ ओढ़ता नहीं है, इसके कारण मुझे भी जुकाम हो जाता है, तो मेरी भी नोज आज चौकी है. यहाँ की जो मॉर्निंग है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. कल मैं आपको रिजॉर्ट नहीं दिखा पाई क्योंकि कल रात भी हो गई थी, थक भी गई थी. तो मैंने सोचा कि फ्रेश मॉर्निंग है और आपको दिखाती हूँ ये वाला पूरा जो बाहर का व्यू है कैसा है. तो अभी चलते हैं. सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय या गर्म पानी, क्योंकि गला भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है. तो मैं भी आपको अपने रूम के विंडो से व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर है. कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं और ऐसी मॉर्निंग हर रोज हो तो बहुत ही अच्छा लगता है. ये व्यू था हमारे रूम की विंडो से. यहाँ पे नारियल के पेड़ भी बहुत सारे थे, हर रोज नारियल गिरे हुए मिलते थे मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ के लोग नारियल बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपने गार्डन के नारियल बात ही अलग है. लेकिन नारियल यूजुअली वैसे रात में ही गिरते हैं, लेकिन फिर भी नारियल के पेड़ से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर सर पे गिरेगा तो सर ही चला जाएगा. तो ऐसा जो वहाँ के केयर टेकर थे उन्होंने बताया. और रूम के बाहर जब मैं निकलती थी तो डोर ओपन करने के बाद ये वाला व्यू था. आप कि कितना सुंदर नज़ारा है और नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, बहुत ही सुंदर था. और ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो केयर टेकर हैं इस घर के वो रहते हैं, और उनका भी मतलब काफ़ी बड़ा परिवार है यहाँ पे. गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि एक चाय हो चुकी है जो कि अच्छी नहीं बनी. तो सब लोगों के रिक्वायरमेंट है कि हम लोग चाय बनाएं, तो अभी हम लोग किचन में एंटर करने के लिए जा रहे हैं. भैया आप अलाउ कर दो, हम आपको दूध चाहिए तो हम और ला देंगे दूध. यहाँ की किचन पे भी हम लोगों ने कब्जा कर लिया है और हमें चाय बनाने की परमिशन मिल गई है, तो मॉर्निंग टी हम लोग अपने आप बनाएंगे अभी. कल हम लोगों ने भाकरी खाई थी तो यहीं पे बनी थी ना, ये वाले चूल्हे पे. हाँ, चूल्हे की भाकरी, उसका अलग ही टेस्ट था. सही है. और ये है किचन के सामने का व्यू. किचन तो ओपन ही है, तो ऐसे जगह कुकिंग करने के लिए मिले तो कितना अच्छा लगता है. और किचन गार्डन भी है, तो यहाँ से ये लोग फ्रेश चीजें तोड़ते हैं बहुत सारी और फिर कुक करते हैं. भैया एक बार हेलो बोल दीजिए. हेलो. ये है भैया जो हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रहे हैं यहाँ पे. थैंक यू. दूसरे किचन में काम करना बहुत टफ होता है, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे मतलब किचन में काम करना. आज ब्रेकफास्ट में क्या खिलाएंगे भैया? पोहा बोल रहे. पोहा और ब्रेड ऑमलेट. पोहा एंड ब्रेड ऑमलेट. ब्रेड ऑमलेट तो हम खाते नहीं, हम तो पोहा खाएंगे. अमृत के प्याले आने वाले हैं. आने वाले हैं अमृत के प्याले. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हाँ,
ये थोड़ी तो भी ठीक है, थोड़ी हाथ मत लगाना भैया, थोड़ी तो भी ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सब लोग नंबर लगाओ। एक कितना सही है क्या? चलो भाभी अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ रुके हैं। तो सबसे पहले 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ मैं आपको इस घर का। ये है मेन डोर, और जब आप मेन डोर से एंटर करेंगे तो राइट साइड में है ये पार्क छोटा सा, जहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। प्रॉपर पार्क है और हर चीज़ है यहाँ पे, स्लाइडिंग है, स्विंग्स हैं, और सीसो है, और लेफ्ट साइड में है पार्किंग। तो देखिए पार्किंग भी कितनी बड़ी है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। और पीछे हैं इसके माउंटेन्स, और उस दिन बारिश हुई थी तो उसके बाद जो वेदर था वो बहुत अच्छा था, स्काई भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। पार्किंग से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में है पूल, और पूल से आगे है बैडमिंटन कोर्ट, और बैडमिंटन कोर्ट के साथ जो रूम है उसमें है टीटी टेबल, और एक दो स्पोर्ट की चीज़ें और रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आप कुछ भी गेम खेल सकते हैं। तो सौरभ ने टीटी बहुत ज़्यादा खेला है और बोल रहे थे कि बहुत टाइम बाद खेला है। और ये है कॉटेज, तो ये 5-bedroom कॉटेज है और बेडरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं। तो ये लोग 4-5 फैमिली वालों को ही रूम ये वाला घर देते हैं, क्योंकि 2 या 3 फैमिलीज का मतलब वो ज़्यादा कम लोगों को रखते नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा घर है। और यहाँ पे फिर ये वाला एरिया आ जाता है जहाँ पे वो स्विंग लगे हुए हैं। ये वाले स्विंग पे बहुत मजा आता है, लेकिन मैं जैसे ही आके बैठी एकदम गीला था ये, और अब तो बैठ गई, अब क्या, अब तो पूरा पीछे से सब गीला ही हो गया है। अनविधि बैठेगा, ओके। और ये पूल हमारे लिए क्लीन हो रहा था, क्योंकि कल रात में हवा चली थी तो काफ़ी पत्ते वगैरह गिर गए थे, और रात में बॉयज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था पूल में। तो हम लोगों ने बोला कि अभी हम लोग पूल में उतरेंगे, उसके बाद कहीं बाहर जाएंगे। और यहाँ पे सब बच्चे एकदम रेडी थे पूल में जाने के लिए। अनवित को मैंने तैयार किया था पूल के सब कपड़े पहना के, उसका स्विमिंग शॉर्ट्स वगैरह पहना के, कि अगर उसको जाना हुआ तो। वैसे हमारा भेजने का मन नहीं था क्योंकि रात को उसको काफ़ी सर्दी थी, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं बच्चों को देख के, और उसका तो एकदम बहुत ज़्यादा मन था और एक्साइटेड हो गया। तो फिर उसको ऐसे कार वाली स्विमिंग ट्यूब में हम लोगों ने बिठाया, और फिर मैं भी एक्चुअली अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही बैठी थी कि अगर अनवित उतरा तो फिर मैं उतर ही जाऊँगी, और रियली स्विमिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर फाइनली मैं भी पूल में एंटर कर गई, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हम लोग पूल में 2 आवर्स तो मिनिमम रहे, और वहाँ पे हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, आई कांट टेल यू। पूल में हम लोगों ने डांस भी किया, लाउड म्यूजिक लगाया, और वी वर क्रेजी ऑन दैट डे। तो फाइनली अभी शावर लेके आई हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। टाइम हो गया 2:30, बहुत तेज भूख लग रही है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे लंच प्रोवाइडेड नहीं है, तो लंच करने के लिए हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ेगा। तो अभी सभी लोग रेडी हैं बाहर निकलने के लिए, तो देखिए आ रही है, चलो चलो। तो बस अभी हम लोग लंच करने के लिए निकलेंगे, और रियली आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आप
आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं पूल में उतरी थी, तो पता नहीं मतलब लास्ट टाइम ग्लासगो में ही उतरी थी, वो भी 2 साल पहले, और अभी तो बहुत ही टाइम हो गया, तो आज इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे लंच करने के लिए और थोड़ा कुछ बाहर एक्सप्लोर करके आएंगे यहाँ पे। हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक रेस्टोरेंट है पल्लवदीप, जहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है सब लोगों के अकॉर्डिंग। हम पहली बार आए हैं लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं और उन्हीं लोगों ने बताया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे इस सीज़न में इतना ज़्यादा बिजी था। हम लोगों की जो खाना है वो 1 घंटे बाद आया, 1 घंटा सब लोगों ने वेट किया, और आप बिलीव नहीं करोगे हम लोगों ने क्या खाया, वेज थाली। तो काशिद में वेजिटेरियन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी खाने की, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे थाली ही अवेलेबल थी, घर पे भी सिंपल खाना था और बाहर भी सिर्फ दाल रोटी चावल यही सब था। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग बाहर आए हैं तो कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन सिर्फ थाली ही थाली अवेलेबल थी। तो आप सब लोगों के चेहरे देख रहे होंगे कि भूख के मारे कितना उतर गए हैं, क्योंकि एक तो हम पूल से ही लेट निकले, उसके बाद हम लोगों को निकलते निकलते 2:30 बज गया था और हम लोगों को खाना खाते खाते मतलब 4:30 ही हो गया उस दिन। तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, सब लोगों के मुंह उदास हैं टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे प्रियंका नेल पेंट लगा रही थी तो उसने बोला कि मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ। उस दिन हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद हम लोग निकल गए ड्राइव के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, और यहाँ पे ऐसे बीच के किनारे ड्राइव करना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ के जो विलेजेस थे वो भी एकदम डिफरेंट थे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी सोच के देखो कि यहाँ पे रहो तो कितना अच्छा है, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेडिकल फैसिलिटी भी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर एक मेडिसिन लेनी है तो 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो जो हमारे घर के केयर टेकर हैं उन्होंने मतलब ऐसा बताया था कि जो दवा खाना है वो काफ़ी दूर है, तो इसीलिए वो सोच के लगता है कि मतलब लाइफ टफ भी है। अगर हम सोचें कि हम लोग तो एक्चुअली 4 दिन के लिए गए तो हम लोगों को ऐसे अच्छा लगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये है कि प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और अभी हम लोग सो के उठे हैं, तो मैंने सोचा कि 3rd डे भी इसी व्लॉग में ही कंबाइन कर देती हूँ, तो दोनों व्लॉग एक साथ ही चले जाएंगे। और बस अभी हम लोग सो के उठते ही हम लोग तुरंत नीचे आ गए, क्योंकि ये जो हैंड्स हैं ये हमें सुबह ही जगा देती हैं और मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस हम लोग तैयार हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और हम लोग आज निकले हैं मुरुन जंजीरा देखने के लिए। तो मुरुन जंजीरा यहाँ पे एक किला है जो कि सी के बीच में है, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि उस टाइम सी के बीच में मतलब कैसे बनाया होगा ये किला। तो आप जो देख पा रहे हैं एक ब्लैक बिल्डिंग, तो ये किला ही है जो कि समुद्र से घिरी हुई है और इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया इसके मतलब बनावट की वजह से। तो यही हम लोग देखने के लिए जा रहे थे और रास्ते में मतलब बहुत ही अच्छा पूरा व्यू जो था वो सीनिक था। तो आप में से जो लोग काशिद नहीं गए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी आप एक बार काशिद जरूर होके आए, आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने किला जाने के लिए टिकट्स लिए हैं, यहाँ से बोट जाती है किले तक और हम लोग अभी बोट में ही जाएंगे। टाइम पास के लिए हम लोगों ने खरीदे ये छोटे वाले बेर, तो कभी ये बचपन में ही खाए थे और मुझे दिखाई दिए तो मैंने सौरभ को बोला कि मुझे चाहिए, तो हम लोगों ने फिर ये बेर लिए, तो उन्होंने बोला कि बोट में टाइम पास करते हुए चले जाना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं ये किला देखने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वॉइस में इमेजिन करने लगती हूँ कि वहाँ की जो क्वींस होंगी वो कैसे रहती थी। और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी आज के दिन और आप बिलीव नहीं करोगे ये जो पॉइंट था यहाँ पे हम लोग 2 आवर्स ऐसे स्टिल ही खड़े रहे, क्योंकि रश बहुत बहुत ज़्यादा था, बोट आगे नहीं जा रही थी क्योंकि वहाँ पे नंबर लगते हैं बोट के,
आगे जाने के लिए, और हम लोगों की जो एनर्जी है वो इस बोट में बैठे बैठे ही खत्म हो गई। और आप ये देखें, ये है किले की एंट्रेंस, कितने लोग यहाँ पे हैं बाहर निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे मतलब बैठे बैठे ही 3 बज गया था, तो हम लोगों को लगा कि अंदर जाने का कोई लॉजिक नहीं है, और सब लोग मतलब थक भी गए थे, बच्चे भी बोल रहे थे कि लेट्स गो। और फिर हम लोग अंदर किले में नहीं गए। हमारे 3 फ्रेंड्स हैं जिनका काफ़ी देखने का मन था, तो वो लोग चले गए, लेकिन अनवित और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और लंच वगैरह भी नहीं किया था। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग मतलब वापस जाते हैं। तो आज हम लोग ये सोच के निकले थे कि जल्दी निकले हैं तो मतलब जल्दी हम लोगों का काम होगा और जल्दी हम लोग देख लेंगे, लेकिन शायद मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो जो लोग काशिद जा रहे हैं, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप ये मुरुन जंजीरा देखें तो आफ्टरनून वाला बोट लें तो शायद ज़्यादा ठीक है, लेकिन मॉर्निंग वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस यही वाला जो बोट है वो पकड़ के हम लोग वापस आ गए। तो आप सब लोगों के चेहरे देख ही सकते हैं, अभी थोड़ा हैप्पी है क्योंकि सब लोग वापस जा रहे हैं और सब लोग थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में भी हैं। तो इस बोट में सिर्फ हम लोग थे वापस जाने वालों में, और यहाँ से वापस आके फिर हम लोगों ने लंच किया, और लंच कोई ऐसा दिखाने वाला नहीं था। अगेन वही वेज थाली, वही राइस, दाल, भिंडी की सब्जी, यही सब। और अगेन जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो लंच करते करते अगेन हम लोगों को 5 बज गया। फिर हम लोग अपने कॉटेज आए, और कॉटेज से हम लोगों ने अपने कपड़े उठाए और हम लोग सीधा पहुँच गए बीच पे, और फिर हम लोगों ने बहुत बहुत इंजॉय किया। और वहाँ पे बच्चों ने भी बहुत फ़न किया क्योंकि आज एकदम गर्मी थी तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था पानी में। तो बस वहाँ पे हॉर्स राइड वगैरह की हम लोगों ने और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा काशिद ट्रिप। और रियली बहुत बहुत अच्छा था ये वाला ट्रिप, और फ्रेंड्स के साथ तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अमेजिंग था। ये वाले जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मतलब 4 दिन हम लोगों का बस हंसना हंसना हंसना, बस यही सब था, और माइंड एकदम फ्रेश हो गया। तो बस यही थे मेरे 2nd और 3rd डे का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।